वही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर है और लगातार श्रद्धालुओं के अधिक मात्रा में आने के कारण प्रशासन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यदि परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उत्तराखंड चार धाम यात्रा में कई राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रशासन द्वारा बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने का कार्य करा जा रहा है। वहीं पहाड़ों में सड़कों के सकरे होने के कारण जिसके कारण सिस्टम के अंतर्गत वाहनों की थोड़ी देर के लिए रोका जाता है ताकि यात्रा मार्ग पर आराम से आ जा सके। इसके साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश के जो श्रद्धालु हैं उनको भी इस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। है कि इस चारधाम यात्रा में आप जैसा कि जानते हैं कि कई राज्यों से बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा अब बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहाड़ी मार्गों पर जैसा आप जानते हैं रोड सक्रिय होती है तो हमारे एक सिस्टम के अंतर्गत वाहनों को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है ताकि वो सुरक्षित तौर पर आ जा सकें। इसी के अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको हम लोग इस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं कि सब कम से कम परेशानी में उन लोगों को वाहन मिल जाए और वाहन भी आसानी से उनके गंतव्य तक पहुंचा पाएँ। इसी के अंतर्गत हमने जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि अपने माध्यम से जो अन्य राज्यों में जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भेज दें, बता दें कि ऐसे यात्री अभी ना आए जिनका कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें उसके बाद हमारे हरिद्वार या ऋषिकेश में आए। जैसे ही रजिस्टर्ड यात्री जिनका कि आने वाले दिनों में दर्शन है उनको बहुत अच्छी बसों की सेवा या छोटी गाड़ियों की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और प्रशासन और शासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी जो दर्शन हो या पूरे उत्तराखंड में जो स्टे हो वो बहुत आनंदमय है।